भाजपा सरकार में घोटालों की बहार, घोटालेबाजी में पहले स्मृति ईरानी और अब अमित शाह का नाम। अमित शाह के मंत्रालय में सबसे ज्यादा घोटाले और घूसखोरी, सरकारी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। गृह मंत्रालय बेईमानी में अव्वल घोषित। की सरकार थी सोनिया, मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 10 साल में छत्तीसगढ़ को घोर अन्याय करने का काम किया, उनके शासन के अंदर 13वां वित्त आयोग आया। ये सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, खपला, घोटाले, भ्रष्टाचार, ढेर सारे घोटाले बाहर आए। आपने सुना कि गृह मंत्री अमित शाह बकायदा हाथों से इशारा करते हुए कहते हैं कि इतने घोटाले किए गए, लेकिन चीखने चिल्लाने से बेहतर था कि अपने भी गिरेबा में झांक कर एक बार देख लिया होता। अब नहीं देखा है तो कथित तौर पर गृह मंत्री साहब की फजीहत हो रही है। आपको बता दें कि किसी और ने नहीं बल्कि सरकारी विभाग ने ही कथित तौर पर गृह मंत्रालय की पोल खोल कर रख दी है। गृह मंत्रालय को लेकर क्या दावे किए गए हैं, रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे किए गए हैं, अब जरा उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल CVC की वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीते साल भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें केंद्र गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ आई हैं। इसके बाद रेलवे और बैंक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। हाल ही में जारी हुई केंद्र सतर्कता आयोग यानी कि CVC की वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी सामने निकल कर आई है। एक अधिकारी के मुताबिक CVC ने शिकायतों की जांच के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों को 3 महीने की समय सीमा भी दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में केंद्र सरकार के सभी विभागों और संगठनों ने सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कुल 1,15,203 शिकायतें प्राप्त की। इनमें से 85,437 शिकायतों का निपटान किया जा चुका। तो दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी छाती ठोक कर देश की जनता के सामने कहते हैं, इस देश में घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी देता हूँ, गारंटी देना चाहता हूँ, दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। दोस्तों, मोदी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहते हैं कि अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो हमारी भी घोटाले बाजों पर कार्रवाई की गारंटी है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी अमित शाह पर कार्रवाई करेंगे, क्या पीएम मोदी स्मृति ईरानी पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से ये लोग तेवर दिखाते हैं, कथित तौर पर मंच पर खड़े होकर एक्टिंग करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, छाती ठोकते हैं, गारंटी देते हैं, उसमें तो इन लोगों को 100 में से 100 नंबर दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर इसी गारंटी पर सवाल किया जाए तो इन लोगों का जवाब देने में गला सूख जाता है। फिलहाल घोटालों के मामले में अमित शाह का कब तलब किया जाएगा, उनसे कब रिपोर्ट मांगी जाएगी, इसका तो इंतजार रहेगा। हालांकि दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।